हेलो गाइस, मेरा नाम है पीयूष और मैं आपका स्वागत करता हूँ हमारी इस जर्नी टू स्टॉक मार्केट में। तो इस सफर में हम सीखेंगे स्टॉक मार्केट के बेसिक से लेकर स्टॉक मार्केट के एडवांस लेवल तक के कॉन्सेप्ट्स। यहाँ पे हम सीखेंगे स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टिंग करने से लेकर स्टॉक मार्केट में डे ट्रेडिंग करने तक का सफर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहली बात अगर हम सीखना चाहें तो ये सीखेंगे कि स्टॉक मार्केट में हमें क्यों आना चाहिए, हमें स्टॉक मार्केट में क्यों एंट्री लेनी चाहिए। तो इसके वेरियस रीजंस है। So, सबसे पहला अगर रीजन देखें हम तो देखो लाइफ है, लाइफ में होते हैं सबको कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स। किसी को अपने करियर की प्रॉब्लम होती है, किसी को बिजनेस की प्रॉब्लम होती है, किसी को अपने जॉब की प्रॉब्लम होती है, किसी को बीबी की प्रॉब्लम होती है, किसी की हेल्थ की प्रॉब्लम होती है, किसी को बच्चे की प्रॉब्लम होती है। तो किसी को बच्चा ही नहीं हो रहा, वो प्रॉब्लम हो रही है। सो इन सब प्रॉब्लम के पीछे अगर सिंपल सा सोल्यूशन कोई चीज दे सकती है तो वो है पैसा। सबसे बड़ी बात, कोई भी सिंपल सा सोल्यूशन अगर इस प्रॉब्लम पे दे सकती है तो वो है पैसा। और पैसा कमाने के लिए हम स्टॉक मार्केट में एंट्री कर सकते हैं। स्टॉक मार्केट एक बहुत ही ज्यादा आसान तरीका है आपको इजी मनी प्रॉफिट मतलब इजी मनी अर्न करने के लिए। बस यहाँ पे आपको चाहिए एक डिसिप्लिन और अच्छा सा नॉलेज स्टॉक मार्केट का, तो वो तो हम इस कोर्स में लेकर ही रहेंगे। देन सेकंड चीज क्या, क्यों हमें स्टॉक मार्केट में आना है? तो यहाँ पे हमारा कोई बॉस नहीं है, यहाँ पर हम हमारे खुद के होते हैं। हमें किसी को जवाब देना नहीं है कि हमने आज क्या किया, आज कल क्या करने वाले। यहाँ पे अगर हम आज अगर ट्रेडिंग करना चाहे या फिर आज इन्वेस्टिंग करना चाहे तो करेंगे, नहीं चाहे तो नहीं करेंगे। यहाँ पे पूरा हम हमारे मन से हमारा पूरा ट्रेडिंग और हमारा इन्वेस्टिंग करेंगे। यहाँ पे हमें किसी को अकाउंटेबिलिटी देने की जरूरत नहीं है। देन थर्ड थिंग, स्टॉक मार्केट में एंटर क्यों करना है, इसके पीछे का थर्ड रीजन, यहाँ पे कम कैपिटल में आप अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो। स्टॉक मार्केट अगर देखें हम तो बहुत सारे लोग इसे गैम्बलिंग कहते हैं, बहुत सारे लोग इसे जुआ कहते हैं, पर ये जुआ नहीं है। अगर इसे राइट डायरेक्शन में और राइट तरीके से किया जाए, अगर एक सिंपल तरीके से किया जाए, प्रॉपर नॉलेज के साथ किया जाए, तो ये अच्छा खासा एक बिजनेस है। आप इसको पैसिव इनकम और एक्टिव इनकम की तरह भी ट्रीट कर सकते हैं। तो ये कुछ मेजर रीजन है हमें स्टॉक मार्केट में आने के लिए। देन एक फोर्थ रीजन भी बहुत अच्छा है, यहां पे आने के लिए आपको कोई डिग्री की जरूरत नहीं है। अगर आपको सीए करना है तो आपको कॉमर्स में आना पड़ेगा, आपको डॉक्टर बनना है तो आपको मेडिकल की एग्जाम्स देनी पड़ेगी, आपको इंजीनियर बनना है तो आपको जेईई नीट वगैरह देना पड़ेगा, तब जाके आप कहीं इंजीनियर डॉक्टर या सीए बनोगे। पर स्टॉक मार्केट में लिए आप अगर 10th पास भी हो, मिनिमम 10th पास भी हो, या फिर आप 7th पास भी हो, तो भी आप स्टॉक मार्केट में एंटर कर सकते हो। स्टॉक मार्केट एंट्री के लिए कोई बैरियर्स नहीं। यहाँ पे हमारे एम्प्लॉयड लोग भी आ सकते हैं, जॉब वाले लोग आ सकते हैं, सेल्फ एम्प्लॉयड लोग आ सकते हैं, हाउसवाइफ्स आ सकती है, देन रिटायर्ड पर्सन आ सकते हैं और हमारे स्टूडेंट्स तक के आ सकते हैं। तो आपको स्टॉक मार्केट में आने के लिए तो कोई बैरियर होगा नहीं। तो ये तो इतने सारे रीजन हो गए हमारे स्टॉक मार्केट में एंटर करने के लिए। और आपने अगर कोर्स परचेस किया है, मतलब क्या कि आपको तो स्टॉक मार्केट में आना ही है। आपने स्टॉक मार्केट बारे में थोड़ा सा कहीं सुना होगा, कहीं पे देखा होगा, आपको फैसिनेशन हुआ होगा, आपको उसके बारे में उत्सुकता हुई होगी स्टॉक मार्केट क्या है, और आप क्या किया, आपने सीखने के लिए चले आए। तो हम क्या करेंगे, अब आपको सिखाएंगे अच्छी तरह से स्टॉक मार्केट के बेसिक से लेकर एडवांस तक का सफर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा जर्नी। तो सबसे पहले हम देखेंगे स्टॉक मार्केट में आने के लिए हमें क्या क्या चीजों की जरूरत है। हमने ये तो देख लिया कि स्टॉक मार्केट में हमें क्यों आना है, अब देखते हैं हम स्टॉक मार्केट में आने के लिए क्या क्या चीजों की जरूरत है। सिंपल, कुछ ज्यादा चीजों की जरूरत नहीं है। सबसे पहली चीज, स्टॉक मार्केट का नॉलेज। कोई भी फील्ड में एंटर करने से पहले, आप अगर डॉक्टर बनना चाहते हो, आप अगर डॉक्टर का प्रोफेशन करना चाहते हो, तो आपको 4 साल का MBBS देन उसके बाद MD वगैरह करके उसमें एंटर करना होगा, तब जाके कहीं आप डॉक्टर बनते हो। इंजीनियरिंग करना होगा तो आपको IIT या नॉर्मल कहीं पे इंजीनियरिंग करना पड़ेगा। CA करना होगा या फिर कोई प्रोफेशन करना होगा, उसका आपको पहले प्रॉपर नॉलेज लेना होगा, प्रॉपर उसकी प्रैक्टिस करनी होगी, तब जाके आप उसमें एंटर कर सकते हो, तब जाके आप उसमें अच्छा खासा पैसा अर्न कर सकते हो। तो स्टॉक मार्केट भी बिल्कुल सेम है। ऐसा नहीं कि आपने स्टॉक मार्केट बारे में आज सुना, कल डीमैट अकाउंट बना लिया, परसों कमाने लग गए, ऐसा कभी नहीं होगा। अगर आप ऐसा करने जाओगे तो पूरे पैसे आप वेस्ट करोगे मार्केट में। तो सिंपल सा आपको अगर क्या करना है, तो मार्केट में सबसे पहले नॉलेज लेना है, और मार्केट का नॉलेज आपको बहुत ज्यादा आसानी से मिल सकता है। हमारे कोर्स में तो पूरा स्टॉक मार्केट का नॉलेज आपको मिलेगा ही मिलेगा। तो सबसे पहली बात, स्टॉक मार्केट में आने के लिए क्या लगेगा आपको, स्टॉक मार्केट का नॉलेज। इसके बिना आपको एंटर करना ही नहीं है मार्केट में। क्यों? क्योंकि हमें अपना हार्ड अर्न मनी हमें वेस्ट नहीं करना है मार्केट में। देन सेकंड थिंग, हमें क्या चाहिए, कैपिटल। स्टॉक मार्केट नॉलेज तो ले लिया, पर स्टॉक मार्केट में ट्रेड करने के लिए और इन्वेस्ट करने के लिए कैपिटल भी तो चाहिए। पर आप अगर देखोगे, अगर आपको कोई बिजनेस स्टार्ट करना है, अगर हम एग्जांपल ले, आपको अगर एक कपड़े का शोरूम डालना है कोई भी नॉर्मल सिटी में, Tier 1, Tier 2, Tier 3 सिटी में, तो अगर Tier 1, Tier 2 भी देखें, तो आपको नॉर्मल कपड़े का शोरूम डालने के लिए नियर अबाउट 50-55 लाख आपको कैपिटल लगेगा, जिसमें आपका शोरूम होगा, जिसमें आपका कपड़े का पूरा स्टॉक होगा,
और आपके एम्प्लॉइज का वगैरह खर्चा सब मिला के आपको 50-55 लाख रुपीज स्टार्ट में इन्वेस्ट करना होगा, तब जाके कहीं आपका बिजनेस स्टार्ट होगा। देन उसकी एडवर्टाइजिंग करना, देन उसके ऊपर आपको उसके एडवर्टाइजिंग पे खर्च करना, उसकी प्रमोशन पे खर्च करना, इसमें आपके बहुत सारे पैसे इन्वेस्ट हो जाते हैं, तब जाके कहीं आपको 2-3 महीने बाद उसका रिजल्ट देखने को मिल सकता है। पर स्टॉक मार्केट में ऐसा कुछ नहीं है। आप अगर चाहे तो 10,000 के कैपिटल के साथ आकर भी अपना अर्निंग स्टार्ट कर सकते हैं, डिसेंट अर्निंग स्टार्ट कर सकते हैं। तो वो तो हम सीखेंगे अपने अगले लेक्चर्स में कि कैसे हम अपना अर्निंग स्टार्ट कर सकते हैं। बस आपको जानना यह है कि आपको स्टॉक मार्केट में अगर आना है, स्टॉक मार्केट में बिजनेस आपका करना है ट्रेडिंग या इन्वेस्टिंग का, तो आप क्या करेंगे, एक बेयर मिनिमम कैपिटल के साथ भी आ सकते हैं। ऐसा नहीं कि आपको बहुत बड़ा कैपिटल चाहिए स्टॉक मार्केट में आने के लिए। देन थर्ड थिंग, स्टॉक मार्केट में आने के लिए क्या चाहिए, तीसरी थिंग, लैपटॉप, मोबाइल और इंटरनेट कनेक्शन। ये चीजें आजकल सबके पास है। नॉलेज आप यहां से ले लेंगे, कैपिटल आप 10,000-20,000 तो कैसे अरेंज कर ही सकते हो, ये कोई बड़ी बात नहीं है। और मोबाइल या लैपटॉप या इंटरनेट तो यार हर जगह है, आज हर किसी के पास है। आप ऐसा एक्सक्यूज नहीं दे सकते कि यार मेरे पास इंटरनेट नहीं है, मेरे पास ये नहीं है। ये सब चीजें तो सबके पास होती ही है। देन फोर्थ थिंग, एक होता है आपका डीमैट अकाउंट। जैसे आप अपने बैंक में जाके सेविंग अकाउंट ओपन करते हो, क्यों, आपको आपका मनी पार्क करना होता है वहां पे। आपको क्या करना होता है, आपके घर में कैश ना रख के आप अपने बैंक के साथ कैश रखते हो, तो आप क्या करते हो, एक सेविंग अकाउंट ओपन करते हो बैंक के साथ। तो वैसे ही आप जब ट्रेडिंग करोगे या इन्वेस्टिंग करोगे, तब आपको क्या होता है, एक ब्रोकर की जरूरत पड़ती है। ब्रोकर इन द सेंस कि जो डील करेगा, मतलब जो मैं शेयर खरीदूंगा और कोई बेचेगा, तो उनके बीच में एक ब्रोकर होता है, वो सब डील्स को फैसिलिट करता है, वो सब डील्स को अपना मतलब डील्स को चलाता है। तो आपको क्या करना पड़ता है, आपके ब्रोकर्स के पास आपको फंड रखने पड़ते हैं। तो वो तो हो गया ब्रोकर का वॉलेट। देन आप अगर आप उसमें इन्वेस्टिंग करोगे और आप अगर कोई शेयर्स लोगे, जब आप इन्वेस्टिंग करोगे और आप शेयर्स लोगे कंपनी के, तब क्या होता है, वो जो शेयर्स होते हैं वो आपके डीमैट अकाउंट में पार्क होते हैं। वो क्या होता है, आपके डीमैट अकाउंट में पार्क होते हैं। और ये डीमैट अकाउंट कहां पे बनेगा, ये आपके ब्रोकर के पास बन सकता है बहुत ज्यादा इजीली। जैसे आपका सेविंग अकाउंट बनता है, वैसे हमारा डीमैट अकाउंट भी बनता है, आपके पैन कार्ड, आधार कार्ड और कुछ केवाईसी डॉक्यूमेंट के साथ। बहुत ज्यादा सिंपल प्रोसेस होता है। कोई भी डीमैट अकाउंट अगर बनाना है तो आपको ब्रोकर पहले चूज करना पड़ेगा। मैं आपको सजेस्ट करूंगा जीरोधा, अपस्टॉक्स और फाइव पैसा, इन तीनों ब्रोकर के साथ आप क्या कर सकते हो, अपना अकाउंट बना सकते हो। और देन उसमें क्या कर सकते हो, अपना डीमैट अकाउंट बना सकते हो। डीमैट अकाउंट बनाना बहुत ज्यादा इजी है। मतलब क्या, आपको सेविंग अकाउंट बनाने के लिए क्या करना पड़ता है, बैंक में जाना पड़ता है, बैंक के ब्रांच में उसके मैनेजर से मिलो या फिर उसके स्टाफ से मिलो। देन उसके बाद आपको उसके डॉक्यूमेंट वगैरह सबमिट करो। पर यहाँ पे ऐसा नहीं, आपको सब डॉक्यूमेंट्स अपने पिक्चर कॉपी लेने हैं और देन आपको अपलोड करना है हमारे ब्रोकर के साथ, और ब्रोकर स्टेप बाय स्टेप आपको फॉर्म में फिलअप करते बताते जाएगा कि कैसे आपको क्या करना है, कैसे आपको मतलब कौन से डॉक्यूमेंट कहाँ अपलोड करने हैं, कहाँ पे आपने डिजिटल सिग्नेचर लगानी है या फिर कैसे आपको केवाईसी कंप्लीट करनी है, वो सब ब्रोकर बताएगा। और उसके साथ आपका डीमैट अकाउंट 1-2 दिन में बन जाएगा बहुत ज्यादा इजीली। सो मार्केट में आने के लिए आपको क्या चाहिए, बस ये चार चीजें। मार्केट में अगर बिजनेस स्टार्ट करना है, आपको ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग स्टार्ट करनी है, तो बस आपको ये चार चीजें चाहिए, है ना, बहुत ज्यादा सिंपल। देन उसके बाद अब ये तो हमने सीख लिया कि मार्केट में क्यों आना है और मार्केट में आने के लिए क्या क्या चाहिए, दोनों चीजें हो गई। हमारा बेसिक एकदम बहुत ज्यादा बेसिक कंसेप्ट हमारा क्लियर हो गया कि मार्केट में आप कोई भी आ सकता है, आप भी आ सकते हैं, मैं भी आ सकता हूं, कोई भी आ सकता है, ओके। देन अब हम देखेंगे मार्केट में अर्न कितने वे से हम कर सकते हैं। अब होगा हमारा मार्केट का जर्नी स्टार्ट, मार्केट में हम क्या कितने वे से अर्न कर सकते हैं। आपको पता होगा, नॉर्मल लोगों को क्या पता होता है, एक तो होता है इन्वेस्टिंग, जो हमारे मोस्ट ऑफ द पीपल को पता होता है। इन्वेस्टिंग मतलब क्या, मैं हूं, मैंने एक रिलायंस के शेयर परचेस कर लिए, कुछ 100 शेयर मैंने रिलायंस के परचेस कर लिए, मतलब मैंने 100 शेयर खरीद लिए, तो क्या किया मैंने, उसमें इन्वेस्टिंग किया, मेरे वो डीमैट अकाउंट में पार्क हो गए। मैंने अभी बताया डीमैट अकाउंट क्या होता है, जहां पे शेयर्स पार्क होते हैं हमारे। तो मैंने क्या किया, 100 शेयर हमारे क्या कर लिए, डीमैट अकाउंट में रिलायंस के खरीद के पार्क कर लिए। और उसको मैं क्या करूंगा, 4-5 साल उसको देखूंगा नहीं, 4-5 साल अगर उसके प्राइस बढ़ गए तो मैं उसको बेच दूंगा प्रॉफिट कमाने के लिए। तो ये क्या हो गया हमारा इन्वेस्टिंग, ये क्या होता है इन्वेस्टिंग। देन ये आपको क्या सबको पता है, इन्वेस्टिंग मतलब जो भी मार्केट को जानता है उसको बस इन्वेस्टिंग पता होता है, ज्यादा लोगों को डे ट्रेडिंग पता होता है, बट उसके बहुत
तो सबसे पहला हो गया इन्वेस्टिंग। तो इन्वेस्टिंग का अगर हम देखें तो इसका ड्यूरेशन जो होता है, अगर हम एक बार शेयर ले ले तो 4 से 5 सालों तक हम उसको होल्ड करके रखते हैं, हमारे पास स्टॉक को लेके रखते हैं, तो ये होता है इन्वेस्टिंग। इस टाइप के ट्रेडिंग को कहते हैं इन्वेस्टिंग। सो इसमें क्या होता है, टाइम पीरियड जो होता है जो 2 ईयर्स से लेके 5 ईयर्स तक होता है। मतलब शेयर को हम क्या करेंगे, 1 साल से लेके 2 साल से लेके 5 साल तक हम क्या करेंगे, उसको होल्ड करके रखेंगे। उसके बाद होता है पोजिशनल। पोजिशनल मतलब क्या होता है, इसको पोजिशनल इन्वेस्टिंग भी बोल सकते हैं, पोजिशनल ट्रेडिंग भी बोल सकते हैं। इसमें क्या करते हैं लोग, कोई भी पर्टिकुलर स्टॉक को एनालाइज करते हैं अपने नॉलेज के अनुसार, और उसमें क्या करते हैं, एंट्री लेते हैं और उसको 6 महीने से लेके 12 महीने तक होल्ड करते हैं। 6 महीने से लेके क्या करते हैं, 12 महीने तक उसको होल्ड करते हैं, ताकि उसमें क्या कर सके, उसकी प्राइस बढ़ के उसके हम प्रॉफिट बुक कर सके। तो ये दोनों जो होते हैं वो बहुत ज्यादा सेफ फॉर्म ऑफ इन्वेस्टमेंट होते हैं। मतलब क्या, टाइम ज्यादा लग रहा है, शेयर की प्राइस बढ़ेगी, शेयर की प्राइस कभी एक जगह तो रुकेगी नहीं, तो या तो कम होगी या तो ज्यादा होगी, पर अगर हम प्रॉपर एनालिसिस के साथ अगर उसमें एंट्री करें, उस ट्रेड में एंट्री करें, तो हम क्या कर सकते हैं, अच्छा खासा प्रॉफिट बना सकते हैं। क्यों, क्योंकि हमें पहले से शेयर की प्राइस बढ़ने वाली है। ठीक है, देन थर्ड थिंग होती है स्विंग ट्रेडिंग। स्विंग ट्रेडिंग मतलब क्या, कुछ लोग क्या होता है, ये सबसे अच्छा ट्रेडिंग का जरिया है किन लोगों के लिए, जो लोग जॉब करते हैं, उन लोगों को तो ट्रेडिंग करने के लिए दिन भर अपने स्क्रीन के सामने बैठ नहीं सकते, उनको जॉब करना है, तो स्विंग ट्रेडिंग उनके लिए क्या है, एक साइड इनकम, एक अच्छा खासा साइड इनकम जनरेट करने का बहुत ज्यादा अच्छा तरीका है। तो स्विंग ट्रेडिंग में हम क्या करते हैं, स्टॉक को 1 हफ्ते से लेके 1 वीक से लेके 2 वीक्स तक हम होल्ड करके रखते हैं। इसमें अगर ऐसा बोले हम 1 वीक तो 2 वीक, ये तो बस एक नॉर्मल एक क्रूड टर्म हो गया, इसको हम 2 दिन भी रख सकते हैं या फिर हम 2 हफ्ते तक भी रख सकते हैं, जब तक हमारा प्रॉफिट बुकिंग हो जाता नहीं। तो बस ये आप लोग, ये जो है 2 ईयर्स या फिर 6 मंथ या फिर 1 वीक, ये बस आपको एक नॉर्मल जनरल टर्म्स में बता रहा हूं कि इतना ये ड्यूरेशन हो सकता है इनका, ऐसा नहीं कि ये फिक्स ड्यूरेशन इनका, बस इतना एक ड्यूरेशन हो सकता है इतना। ओके, स्विंग ट्रेडिंग किन के लिए अच्छा है, जो लोग जॉब करते हैं, जो लोग अपने प्रोफेशन में बिजी रहते हैं, जिनको मार्केट देखने का ज्यादा टाइम नहीं मिलता, जो लोग रात को ही मार्केट देख सकते हैं कि भाई दिन भर में क्या हुआ, क्योंकि वो दिन भर बिजी रहते हैं, तो उनके लिए स्विंग ट्रेडिंग अच्छा है कि एंट्री लेके रखो और दो तीन दिन बाद या फिर 2-3 हफ्ते बाद उसको बेच के अपना प्रॉफिट बुक कर लो। तो इसमें भी हम इजीली मंथली हम 10-15% रिटर्न हम बना सकते हैं, बहुत ज्यादा इजी वे से। और इसमें एक स्पेशल डेडिकेटेड स्ट्रेटजी मैंने दी है हमारे स्विंग ट्रेडिंग के ऊपर, जो आपको अगले आने वाले लेक्चर्स में मिलेगी, कि हम उसमें कैसे उसको यूज करके हम अपने कंसिस्टेंट रिटर्न बना सकते हैं स्विंग ट्रेडिंग में भी। देन फोर्थ टाइप होता है हमारा डे ट्रेडिंग। मतलब इसको हम कहते हैं इंट्राडे ट्रेडिंग, मतलब एक ही दिन में आप सवेरे उठ के स्टॉक खरीदो और स्टॉक उसी दिन में बेच दो। तो ये सबसे, मतलब सबसे ज्यादा लोग अगर कहीं पैसा बनाते हैं तो वो तो बनाते हैं डे ट्रेडिंग में। अगर आपको एक रेशियो बताऊं तो मार्केट में 97% लोग, मार्केट में अगर 100 लोग हो गए तो उसमें से 97% लोग जो है वो इन्वेस्टिंग करते हैं। क्यों, क्योंकि उनको बहुत ज्यादा मार्केट के बारे में पता नहीं होता, वो बस लोगों से सुनते आते हैं और वो स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करके पैसे छोड़ देते हैं अपने। तो 97% जो लोग है वो इन्वेस्टिंग करते हैं, पर अगर मार्केट में अगर 100 रुपए कमाए गए पूरे मार्केट में, तो उसमें से 1 रुपया ही मार्केट में इन्वेस्टिंग करने वाले लोग कमाते हैं। मतलब क्या, जो 97% लोग वो मार्केट के पूरे मनी का बस 1% ही क्या करते हैं, प्रॉफिट कमाते हैं। और जो बचे हुए लोग हैं उसमें से कौन आते हैं, स्विंग ट्रेडर्स, पोजिशनल ट्रेडर्स और डे ट्रेडर्स। तो डे ट्रेडर्स का शेयर जो होता है वो नियर अबाउट 1-1.5% होता है हमारे टोटल मार्केट के प्लेयर्स में। मतलब जो टोटल मार्केट में अगर 100 प्लेयर होंगे, अगर टोटल जो पूरे हमारा स्टॉक मार्केट है उसमें अगर 100 लोग होंगे, तो उसमें से 1 या 2 लोग ही क्या करेंगे, डे ट्रेडिंग करेंगे। और उसमें से 97% जो रेवेन्यू जनरेट करते हैं वो सब हमारे डे ट्रेडर ही जनरेट करते हैं, वो सब वॉल्यूम वो ही बनाते हैं। क्यों, क्योंकि उन्हें मिलता है लेवरेज। अब लेवरेज क्या है, तो सिंपल सी बात है, मैं आपको इंट्राडे ट्रेडिंग जो है वो बहुत ज्यादा इजी वे में समझाता हूं। तो सपोज हम क्या एग्जांपल लेते हैं, ये हमारा ए और ये हमारा बी और ये है सी। एक मार्केट में, हमारा मार्केट में इसकी एक शॉप है, उसकी आटे की बोरी की। ओके, सिंपल सी बात है, एक आटे की बोरी की उसकी शॉप है, इसके सी के पास मिलता हमारा आटे की बोरियां मिलती है। तो ए ने क्या किया, अगर वो ए इन्वेस्टिंग करता, सबसे पहले हम इन्वेस्टिंग और डे ट्रेडिंग में अगर एग्जांपल देखें, सबसे पहले देखते हैं हम इन्वेस्टिंग। अगर ए ट्रेड इन्वेस्टिंग करता तो क्या करता, वो ए सी के पास जाता और उसको कहता आटे की बोरी कितने की है।
तो ए क्या सी क्या कहता, आटे की बोरी है 1000 रुपए की, तो ए क्या करता उसको 1000 रुपए देके आटे की बोरी अपने पास ले लेता। ए क्या करता 1000 रुपए देके आटे की बोरी सी के पास से ए के पास अपने खुद के पास ले लेता, और वो क्या करता वेट करता कि अब एक जो आटे की बोरी है वो 1000 रुपए से लेके 1100 रुपए उसके भाव कब बढ़ जाते, और जब 1200 रुपए उसके भाव बढ़ जाएंगे 1100 या 1200 रुपए, तो वो ए क्या करेगा उसकी आटे की बोरी बी को बेच देगा कितने में, सपोज 1200 रुपए में। तो यहाँ पे ए का प्रॉफिट कितना हुआ 200 रुपए। कैसे, नॉर्मल हमारा बिजनेस का ट्रांजेक्शन है। ए ने क्या किया सी से आटे की बोरी ली कितने में 1000 रुपए में, और उसको बी को कितने में बेचा, हमारे बी को कितने में बेचा उसने 1200 रुपए में, यानी क्या उसका इन्वेस्टमेंट था 1000 रुपए और बेचा किसमें कितने में उसने 1200 रुपए में, यानी 200 रुपए का उसका प्रॉफिट हो गया। पर इस पूरे टाइम इस पूरे ट्रांजेक्शन में उसको लग गए 2 महीने, उसको क्या हुआ 2 महीने लग गए इस ट्रांजेक्शन को कंप्लीट करते हुए। क्यों, क्योंकि आटे के बोरी के भाव बढ़ने में क्या हुआ 2 महीने लग गए अपने हमारे कितने 1000 रुपए से 1200 रुपए तक जाने के लिए, तो उसको 2 महीना वेट करना पड़ा। तो इसने क्या किया यहाँ पे अगर हम मार्केट की लैंग्वेज में देखें तो इसने क्या किया बहुत ज्यादा वेट किया तब उसको प्रॉफिट मिला, तो उसने क्या किया इन्वेस्टिंग किया। अगर वही हम बात देखें तो अगर सेम एग्जांपल अगर रिपीट करें हम, तो ए हमारा क्या है एक पार्टी है, बी हमारी दूसरी पार्टी है, और सी हमारा क्या है वेंडर, वेंडर मतलब क्या विक्रेता। तो सी के पास क्या मिलता है आटे की बोरियां मिलती है, और अगर आपको बताऊं तो ए को क्या है, ए हमारा टेक्निकल एनालिस्ट है। टेक्निकल एनालिस्ट मतलब क्या, उसको स्टॉक मार्केट टेक्निकलिस्ट किसको कहते हैं, जो प्राइस को प्रेडिक्ट करता है बाद में। तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, ए को हम समझेंगे कि उसको कुछ पता था कि यार आटे की बोरी के भाव आज बढ़ने वाले हैं, आटे की बोरी के भाव आज बढ़ने वाले हैं, तो उसने क्या किया सी को, अब हम देखेंगे इंट्राडे का एग्जांपल, पहले हमने इन्वेस्टिंग का देख लिया बहुत ज्यादा इजीली, अब हम इंट्राडे का एग्जांपल देखेंगे। तो ए ने क्या किया सी को क्या बोला आटे की बोरी के भाव क्या है, तो ए सी ने क्या किया फिर से 1000 रुपए, एक आटे की बोरी कितने की मिल रही है उसके पास 1000 रुपए की, ये बस एग्जांपल है, आटे की बोरी कम में भी मिल सकती है पर हम एग्जांपल देख रहे हैं। ए ने क्या कहा सी को कि आटे की बोरी कितने की है, तो सी ने क्या कहा आटे की बोरी एक है 1000 रुपए की, तो ए ने क्या किया सी को दिए 100 रुपए। आप बोलेंगे 100 रुपए क्यों, ए ने उसके बाद से बोरी खरीदी नहीं, अभी तक खरीदी नहीं उसने, उसने बस उसको बुक करके रखा है, कि ए ने क्या कहा ये लो 100 रुपए ये एडवांस रखो, मैं उसको शाम में इस बोरी को शाम में लेके जाऊंगा और आपको बाकी पैसे लौटा दूंगा। ठीक है, मतलब क्या ए ने जो 1000 रुपए है उसको 100 रुपए देके बुक कर लिया। ठीक है, मतलब यहाँ पे उसको मिला लेवरेज। मार्केट में भी ऐसे ही होता है, इंट्राडे अगर करोगे आप तो स्टॉक अगर 100 रुपए का होगा तो आपको उसको 20 रुपीज में ही बुक कर सकते हो, पर उसमें प्रॉब्लम यह है कि आपको वो स्टॉक उसी दिन उसको आपको स्क्वेयर ऑफ करना है, यानी उस ट्रांजेक्शन को आपको उसी दिन सेटल करना है। अगर आपने बाय किया है तो आपको उसको पूरे या तो पैसे देने पड़ेंगे या तो आपको उसको किसी को सेल करना पड़ेगा जो उसको जो हमारे ब्रोकर को पूरे पैसे दे देगा उस स्टॉक को खरीदने के लिए। तो यहाँ पे सी क्या ए क्या करेगा सी को हमारे उसने 100 रुपए दे दिए और स्टॉक आटे की बोरी खरीद ली, मतलब बुक कर ली, इन द सेंस वो खरीद नहीं हो गया और उसने अभी तक क्या किया उसको सिर्फ बुक करके रखा है। दोपहर तक क्या हुआ आटे की बोरी के भाव थोड़े से बढ़ गए, उस दिन कुछ न्यूज आ गई आटे को कुछ तो भी सप्लाई कम होने वाला था या फिर आटे की डिमांड बढ़ गई, तो उस दिन क्या हुआ आटे की बोरी की प्राइस बढ़ गई और आटे की बोरी की प्राइस कितनी हो गई 1050 रुपए। 1050 रुपए क्या हो गया आटे की एक बोरी की प्राइस हो गई। सी ने ए ने क्या किया था 1000 रुपए में उसको खरीद के रखा था, एडवांस दिया था, मतलब वो क्या करेगा अभी उसको 1000 रुपए ही चाहिए। सी क्या करेगा उसको 1000 रुपए में बेच सकता है, क्यों, क्योंकि उसने एडवांस लेके रखा है। अगर आप नॉर्मल मार्केट में देखो तो अगर एक बार आपने एडवांस ले लिया तो जो प्राइस फिक्स हुई है उसी पे हम उसको खरीद या बिक्री कर सकते हैं। तो ए ने क्या किया फिर 100 रुपए तो यहाँ पे दे दिए और वो चला गया बी के पास और बी को क्या बोला तुमको आटे की बोरी चाहिए, तो वो बोला बी बोला हाँ, तो उसने क्या किया बी को बोला एक काम करो मैंने उसको क्या किए हमारे सी को दे दू, सी के पास मेरी आटे की बोरी पड़ी हुई है तो आप उससे वो ले लो और उसको क्या करना आप उसको सिर्फ 900 रुपए देना। पर आप बोलोगे यार सिर्फ बी उसको सी को 900 रुपए क्यों देगा, तो क्या होता है इसने जो 100 रुपए एडवांस देके रखे और ऊपर का 50 रुपए जो आटे की बोरी के ऊपर बढ़ा है क्या होगा वो सब प्रॉफिट किसको जाएगा हमारे ए को, यानी बी क्या करेगा ए को देगा 150 रुपीज और सी 900 रुपीज। तो यहां पे अगर देखें आप तो बी को कितने में पड़ी आटे की बोरी, बी को पड़ी 900 प्लस 1150 मतलब 1050 में, यानी बी को जो हमारा करंट प्राइस है उसी में हमारे आटे की बोरी मिल गई। ए ने क्या किया था 100 रुपए देके हमारे आटे की बोरी एडवांस में बुक कर ली थी और सी को क्या करना था ए को वो 1000 रुपए में बेचनी थी। तो यहाँ पे अगर ट्रांजेक्शन देखे हम तो ए को क्या हुआ 100 रुपए तो बी से वापस मिल गए, ऊपर से उसका प्रॉफिट भी मिल गया। आपको सिंपल लैंग्वेज में बता रहा हूं बहुत ज्यादा। यहाँ पे क्या हुआ ए ने जो पहले प्रॉफिट मतलब ए ने जो पहले बुकिंग की थी आटे की बोरी की
उसने क्या किया, सी को वो ट्रांसफर कर दी और सी से क्या बोला कि मैंने उसको 100 रुपीज पहले दिए थे तो वो 100 रुपीज तू मुझे दे दे और ऊपर से उसके क्या कर, उसको तो हमें 900 रुपए ही देने, क्यों, क्योंकि उसने उससे मैंने मतलब ए ने 1000 रुपए में बोरी खरीदी तो तू क्या कर उसे, पहले तो 100 रुपए दे चुका हूं मैं तो उसको जाके 900 रुपए दे दे, ठीक है। मतलब क्या हुआ, 100 और 900 सी को मिल गए 1000, वो 100 रुपए जो मिले थे ए से मिले थे और बी से कितने मिले हमारे 900, यानी सी को मिल गए 1000, सी का ट्रांजेक्शन हो गया नील। और देन आटे की बोरी की प्राइस थी 1050, तो ए ने उसको बेचा था 1050 रुपए में, तो क्या करेगा ए उससे कहेगा बी तू मुझे क्या कर, जो मैंने सी को अपने 100 रुपए दिए थे वो 100 रुपए मुझे वापस कर और उसके ऊपर 50 रुपए भी मुझे दे, जो हमारा डिफरेंस रहेगा वो मुझे दे दे। इसका हिसाब से क्या हुआ, ए को हमारे 1000 रुपए इन्वेस्ट ना करके सिर्फ 100 रुपए इन्वेस्ट करके उस पर 50 रुपीज का प्रॉफिट हो गया। तो इससे कहते हैं हम डे ट्रेडिंग। बस उसे क्या करना था कि ये जो ट्रांजेक्शन है वो आज के आज खत्म करना था। अगर वो उसे नहीं करता था तो क्या कर सकता, ए को वो पूरे 900 रुपए फिर से वापस उसको देके वो हमारा पूरा डिलीवरी में हमको लेना, मतलब ए को लेना पड़ सकता था वो जो आटे की बोरी थी। अगर बी उसको नहीं मिलता उस दिन तो क्या हो रहा, क्या हुआ होता, ए को जो 100 रुपए उसने सी को दिए थे उसके बदले उसको 900 रुपए और देके आटे की बोरी उसको खरीदना पड़ सकता था। तो इंट्राडे ट्रांजेक्शन ऐसे चलते हैं। क्या होता है, स्टॉक को आप क्या करते हो, ब्रोकर के पास बुक करके हो, करते हो लेवरेज देके, यानी कि कुछ मार्जिन मनी देके, और देन क्या करते हो आप उसको स्क्वेयर ऑफ जब करना होता है मार्केट में, जब प्राइस उसकी बढ़ती है तो ब्रोकर उसके लिए दूसरी डील्स ढूंढता है जो लोग उसको खरीदना चाहते हैं फिर से। यानी क्या होता है, जब आपने उसको बाय किया है डे ट्रेडिंग में, उसको जब बाय किया है तब उसको कोई सेलर चाहिए बाद में उसको बेचने के लिए, ट्रांजेक्शन खत्म करने के लिए। आपको थोड़ा सा अगर जंबलिंग लग रहा होगा तो आप जब आगे के लेक्चर देखोगे उसमें आपको बहुत ज्यादा डिटेल में मतलब बताया हुआ है कि कैसे मार्केट में ट्रांजेक्शन रन होते हैं, कैसे मार्केट में ट्रांजेक्शन होते हैं। ये तो बस आपको एक बस जनरल ओवरव्यू था, और थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स होता है इंट्राडे ट्रांजेक्शन जो होता है, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स होता है। अगर आपको डायरेक्टली मैं शेयर के टर्म्स में बताता तो आपको थोड़ा सा माइंड में जंबलिंग हो जाता, पर आपको इस ट्रांजेक्शन को अगर देखेंगे, इस ट्रांजेक्शन को पर मतलब पूरा एनालाइज करेंगे तो आपको समझेगा यार इंट्राडे ट्रांजेक्शन भी ऐसे ही होते हैं। सो सिंपल सी बात है, इंट्राडे ट्रांजेक्शन हमने देख ली कि कैसा होता है। आप इसको चाहे तो फिर से एक बार लिख के रख सकते हो या फिर थोड़ा सा रिवाइंड करके एक बार स्लो स्पीड में देख सकते हो कि मैंने क्या कहा है। क्योंकि क्या होता है, इंट्राडे ट्रांजेक्शन थोड़े से कॉम्प्लेक्स होते हैं, क्योंकि लेवरेज हमारे लिए लेवरेज एक नया टर्म होती है। मार्केट में ट्रांजेक्शन ऐसे चलते हैं, हम उसको नॉर्मल लाइफ में भी करते हैं, पर मार्केट में क्या होता है उसको लेवरेज नाम का अगर वर्ड से हम उसको क्या करते हैं, डिनोट करते हैं या फिर उसको बोलते ही हमें लेवरेज मिला है, तो आपको थोड़ा सा नया लग सकता है। सो इसलिए क्या करना, आप उसको ट्रांजेक्शन को फिर से एक बार एनालाइज करना। देन सो अगर नहीं समझे तो कोई टेंशन नहीं यार, ऐसा मतलब कोई बड़ी बात नहीं। इंट्राडे ट्रांजेक्शन आपको आगे वाले लेक्चर में बहुत ज्यादा इजीली समझेगा जब मैं प्रॉपर इंट्राडे में ही बात करूंगा, इंट्राडे के बारे में ही बात करूंगा। ये तो बस आपके लिए एक बार जनरल ओवरव्यू था। तो डे ट्रेडिंग हम कितने टाइम के लिए करते हैं, यहाँ तो हम सबके लिए टाइम देख रहे हैं। तो डे ट्रेडिंग हम करते हैं नियर अबाउट 1 आवर से लेके 2 आवर्स या फिर 3 आवर्स तक। ऐसा भी हो सकता है कि क्योंकि कभी कभी हम हाफ आवर में या 20 मिनट में भी हमारे ट्रेड खत्म करके प्रॉफिट बुक करके घर पे चले जाए। ओके, देन सबसे जो फास्टेस्ट वे होता है हमारा होता है स्कैल्पिंग। फिफ्थ वे जो होता है मार्केट में हमारे कमाने का वो होता है स्कैल्पिंग। तो स्कैल्पिंग में क्या होता है, सिंपल इंट्राडे ट्रेड ही होता है, पर इंट्राडे डे ट्रेडिंग जो होता है वो हमारा नियर अबाउट एक ट्रेड 2 से 3 घंटे तक भी चल सकता है। पर स्कैल्पिंग में ऐसा होता है कि हम नियर अबाउट कुछ सेकंड के लिए ट्रेड होल्ड करते हैं या फिर कुछ मिनट्स के लिए होल्ड करते हैं, हम इसे 5 to 10 मिनट के अबव मतलब जाने ही नहीं देते। अगर हमने ट्रेड में एंट्री की है तो हम उसको 5 या 10 मिनट एट मैक्स 5 या 10 मिनट ही उसको होल्ड करेंगे और जो प्रॉफिट और लॉस होगा उसको निकाल के हम बाहर आ जाएंगे। बस इसमें होता यह है कि हम हेवी क्वांटिटी के साथ इन्वेस्ट करते हैं, मतलब हेवी क्वांटिटी के साथ ट्रेड में एंटर करते हैं। लाइक अगर हम डे ट्रेडिंग में या फिर इन्वेस्टिंग में अगर 100 शेयर खरीद रहे हैं तो यहाँ पे हम डायरेक्ट 1000 शेयर की या फिर 1000 हमारे ऑप्शन या कुछ भी जो भी होगा हमारे जो हमारी असेट होगी उसको हम खरीदेंगे और उसके प्राइस 1-2 रुपए से बढ़ के भी या फिर कम हो गए तो उसका प्रॉफिट और लॉस लेके हम बाहर निकल आएंगे। तो यहाँ पे हम प्राइस का गेम नहीं, यहाँ पे हम क्वांटिटी का गेम खेलेंगे। तो वो भी आपको आगे समझ में आएगा कि कैसे होता है स्कैल्पिंग। होगा वो बस आपको बस समझाना है कि मार्केट में कितने वे से हम पैसे बना सकते हैं। तो कौन से वेज है, इन्वेस्टिंग हो गया, पोजिशनल ट्रेडिंग हो गया, देन स्विंग ट्रेडिंग हो गया, डे ट्रेडिंग हो गया और स्कैल्पिंग हो गया। तो स्कैल्पिंग जो है वो जो न्यू ट्रेडर्स है उनके लिए थोड़ा सा इजी हो सकता है और डे ट्रेडिंग भी इजी हो सकता है। क्यों, क्योंकि हम उसको प्रॉपर एक स्ट्रैटेजी सीखने वाले आगे। बाकी हम पूरे इन्वेस्टिंग की भी स्ट्रैटेजी सीखेंगे और हमारे स्विंग ट्रेडिंग की भी स्ट्रैटेजी सीखेंगे और पोजिशनल और इन्वेस्टिंग तो सेम ही होते हैं, लाइक उनको सेम स्ट्रैटेजी अप्लाई होती है। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। ये तो पता ही होगा आपको कि स्टॉक मार्केट मतलब क्या है। स्टॉक मार्केट मतलब क्या, दोनों अगर टर्म्स देखें हम, स्टॉक मतलब क्या,
कंपनी का एक पार्ट होता है। शेयर्स मतलब क्या होते हैं, कंपनी के पार्ट होते हैं। कोई भी कंपनी अगर मार्केट में एंटर करना चाहती है, अगर कोई भी कंपनी पब्लिक से पैसा उठाना चाहती है, यानी कि अगर वो बैंक से लोन नहीं लेना चाहती, उसको क्या करना है, अपनी इक्विटी को डाइल्यूट करना है। ये थोड़े से हाई लेवल के टर्म्स है, बस आपको अगर समझना है तो किसी भी कंपनी का अगर उसका जो ओनरशिप है, यानी कि उसका जो मालकी हक का बोलते हैं हम उसको, अगर उसको वो डाइल्यूट करना है, यानी उसको वो डिस्ट्रीब्यूट करना है लोगों में, और उसको कैपिटल अगर रेज करना है, तो वो क्या करती है, मार्केट में अपना आईपीओ लॉन्च करती है। आईपीओ मतलब क्या, इनिशियल पब्लिक ऑफर। ये आपको ज्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं इस पे, क्योंकि हम इन्वेस्टिंग और ट्रेडिंग सीख रहे हैं। आईपीओ और उसके बारे में आपको आने वाले लेक्चर में आपको अपडेट करते रहूंगा मैं, जब आने वाले कोर्सेज आएंगे हमारे, तो उसमें स्पेसिफिक उस पर आईपीओ पे भी कोर्स बनेगा, ऑप्शंस पे भी कोर्स बनेगा, और ज्यादा एडवांस स्ट्रेटजीज भी कोर्स बनेगा, पर आपको उसके लिए पहले बेसिक सीखना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो क्या कह रहा था मैं, जो कंपनी है जो मार्केट में जब एंटर करती है फर्स्ट टाइम पब्लिक से पैसा रेज करने के लिए, तो वो क्या करती है, हमारा आईपीओ लॉन्च करती है। आपने अभी लॉकडाउन में तो बहुत ज्यादा सुना होगा कि कोई ये एक्स वाई जेड कंपनी का आईपीओ लॉन्च हुआ है, कोई दूसरा पेटीएम वगैरह का आईपीओ लॉन्च हुआ है, कोई कभी अपना जोमेटो का आईपीओ लॉन्च हुआ है, कभी नायका का आईपीओ लॉन्च हुआ है, और उसमें लोगों ने कभी पैसा बनाया, कभी बहुत ज्यादा गवाया है। तो ये होता है क्या, आईपीओ जब कंपनी मार्केट में लिस्ट होती है, जब लोगों से पैसा इकट्ठा करना स्टार्ट करती है, तब वो मार्केट में उसके शेयर्स आते हैं। देन एक बार मार्केट में उसके शेयर्स आ गए, तो हम क्या करते हैं, उसमें ट्रेडिंग करते हैं, इन्वेस्टिंग करते हैं। सो ये होती है सिंपल प्रोसेस मार्केट में, कंपनी जब अपने शेयर्स कैसे लाती है, तो आईपीओ की वजह से, आईपीओ की तरफ से उसको लॉन्च करती है। और आईपीओ मतलब क्या, इनिशियल पब्लिक ऑफर, चाहे तो आप इसको लिख के रख सकते हैं। देन अगर हम देखें कि मार्केट में अब और क्या हम सीख सकते हैं, ये तो हमारा सबसे बेसिक लेक्चर है। तो अगर हम देखें तो हमने पहले स्टार्टिंग में क्या देखा, हमें मार्केट में क्यों आना चाहिए, देन हमें मार्केट में आने के लिए क्या क्या जरूरी है, देन हमने देखा मार्केट में हम किन तरह से हम क्या कर सकते हैं, ट्रेडिंग या इन्वेस्टिंग करके कैसे पैसा बना सकते हैं, उसके हम पांच वेज देखे, हमने पांच तरीके देखे। उसमें क्या था, इन्वेस्टिंग, पोजिशनल ट्रेडिंग, देन स्विंग ट्रेडिंग, देन डे ट्रेडिंग, एंड देन स्कैल्पिंग। अभी हम देखेंगे मार्केट में जो प्राइस होती है, स्टॉक की प्राइस अगर कम ज्यादा होती है वो कैसे होती है। तो अगर नॉर्मल मार्केट की भी देखे और स्टॉक मार्केट की भी देखे, सब जगह एक ही रूल अप्लाई होता है। पूरी दुनिया जो चलती है वो उसका मार्केट जो चलता है वो सिर्फ दो ही रूल पे चलता है, सप्लाई और डिमांड के रूल पे। अगर किसी भी चीज का सप्लाई ज्यादा है, किसी भी चीज का क्या है, सप्लाई ज्यादा है, सप्लाई मतलब क्या, अगर चलो देखो, अगर हम नॉर्मल भाषा में समझे, अगर हम एग्जाम्पल ले शुगर का, मतलब शक्कर का, अगर मार्केट में बहुत ज्यादा शक्कर का उत्पादन हो गया, सब फार्मर्स ने मतलब खेती कर दी गन्ने की, और सब कारखानों ने, सब फैक्ट्रीज में क्या हुआ, शक्कर का प्रोडक्शन बहुत ज्यादा मैसिवली हो गया। तो क्या होता है, मार्केट में शक्कर बहुत ज्यादा अवेलेबल हो जाती है, हर ट्रेडर के पास अपनी शक्कर अवेलेबल होती है। तो क्या होता है, सबको तो खरीदने, मतलब जो लोग खरीदने वाले हैं वो तो कम है, और शक्कर बहुत ज्यादा हो गई, तो लोगों के क्या करना पड़ता है, उसको कम प्राइस में खरीद मतलब बेचना पड़ता है। तो क्या होता है, जब सप्लाई ज्यादा हो जाती है, सप्लाई क्या हो जाती है, ज्यादा हो जाती है, और डिमांड कम हो जाती है। देखो, सप्लाई और डिमांड इंडिविजुअल नहीं चलते, सप्लाई और डिमांड एक साथ अपनी रिलेशन में चलते। अगर कभी सप्लाई ज्यादा हुआ तो डिमांड कम होती है ऑलवेज, अगर कभी डिमांड ज्यादा हुआ तो क्या होता है, सप्लाई कम होती है। क्यों? क्योंकि हम इन दोनों को एक दूसरे के रिलेशन में देख रहे हैं, सप्लाई को हम डिमांड के रिलेशन में देख रहे हैं और डिमांड को हम सप्लाई के रिलेशन में देख रहे हैं। तो अगर मैं कहूं कि सप्लाई ज्यादा हुआ तो क्या हो, डिमांड कम होगी, यानी जो खरीदने वाले है वो कम है। डिमांड कौन क्रिएट करता है, जो खरीदते हैं लोग, और सप्लाई कौन क्रिएट करता है, जो लोग बेचते हैं। तो क्या होता है सिंपल टर्म्स में, जब सप्लाई ज्यादा होता है, यानी बेचने वाले ज्यादा होते हैं और खरीदने वाले कम हो जाते हैं, तो क्या होता है, उस कमोडिटी की या उस वस्तु की प्राइस क्या हो जाती है, कम हो जाती है। और अगर कभी सप्लाई कम हो जाता है और डिमांड ज्यादा बढ़ जाती है, यानी क्या, खरीदी करने वाले लोग ज्यादा हो जाते हैं, यानी बायर्स ज्यादा आ जाते हैं मार्केट में, और सप्लाई कम हो जाता है, यानी बेचने वाले लोग ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं होते, तो क्या होता है, कभी भी मार्केट में प्राइस उस चीज की गिरने लगती है। सेम बात अगर हम देखें स्टॉक मार्केट में, अगर किसी शेयर की प्राइस अगर बढ़ रही है, तो हम क्या बोल सकते हैं कि जो लोग उसको बेचना चाहते हैं वो कम बेचना चाहते हैं, और जो खरीदना चाहते हैं वो ज्यादा लोग हैं जिसको खरीदना चाहते हैं। इसलिए क्या होता है, जो लोग खरीदना चाहते हैं और लोग जो बेचना चाहते हैं, तो उनमें क्या होती है, डील्स होती है कि यार चलो, एक जन बोल रहा है कि मैं उसको 100 रुपए में खरीदूंगा, दूसरा बोल रहा है कि मैं इसको 110 में खरीदूंगा। तो सप्लायर क्या करेगा, जो सेलर है वो क्या बोलेगा, जो 110 में बोल रहा है मैं उसको बेच दूंगा, क्यों मैं 100 वाले को बेचूं। तो इस हिसाब से क्या होती है, मार्केट में शेयर की प्राइस कम ज्यादा होती है। अगर खरीदने वाले ज्यादा आ गए, किसी मार्केट किसी शेयर पर्टिकुलर शेयर को खरीदने वाले ज्यादा लोग आ गए और उसका मतलब बेचने वाले कम हो गए, तो क्या होता है, उसकी शेयर की प्राइस बढ़ती है। तो इसके पीछे रीजन क्या हो सकते हैं, इसके पीछे रीजन ये हो सकते हैं कि कोई मार्केट में न्यूज आ गई कि चलो यार, समझो एक्स वाई जेड कंपनी या फिर रिलायंस कंपनी है, तो अगर हम देखें, अगर रिलायंस के प्राइस बढ़ रहे हैं, तो हम क्या बोल सकते हैं कि यार लोग उसको खरीदना चाहते हैं ज्यादा, और उसको लोग बेचना कम चाहते हैं। लोग बेचना कम क्यों चाहते हैं, क्योंकि उनको उसमें मतलब क्या है,
उसको उनको उसमें कॉन्विक्शन है या फिर उनको विश्वास है कि इसके प्राइस और ज्यादा बढ़ेंगे आगे और हम उसको और ज्यादा अच्छे दाम में बेच सकते हैं। इसलिए लोग क्या करते हैं, कम लोग ही उसको बेचना चाहते हैं, पर खरीदना ज्यादा लोग चाहते हैं। क्यों? क्योंकि लोगों को लगता है ये और ज्यादा बढ़ेगा तो हम इसे ज्यादा प्रॉफिट बना सकते हैं। तो अगर सिंपल सी बात देखें तो मार्केट में कुछ ऐसे न्यूज भी आ सकती है कि चलो एक्स वाई जेड कंपनी को क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ है, तो लोगों को लगता है यार ये कंपनी अच्छी है, इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए, लोगों को इसमें फ्यूचर दिख रहा है, तो लोग क्या करते हैं उसमें इन्वेस्ट करते हैं। जब इन्वेस्ट करने ज्यादा लोग चले जाते हैं तो क्या होता है, उसकी प्राइस बढ़ने लगती है। क्यों? क्योंकि सप्लायर्स कम होते हैं और बायर्स ज्यादा बढ़ने लगते हैं। अगर किसी कंपनी को नया कॉन्ट्रैक्ट मिला है और अगर हमने उसको क्या देखा, न्यूज़पेपर में देख लिया कि चलो अदानी एंटरप्राइजेस है, अदानी ग्रुप को एक बड़ा कॉन्ट्रैक्ट मिला, एक बड़ा पोर्ट या फिर बड़ा क्या बोलते हैं हम उसको, बंदर बांधने का, बंदर यानी पोर्ट होता है, वो लोग ज्यादा पोर्ट या एयरपोर्ट में डीलिंग करते हैं। तो अगर हम देखें कि अगर कभी दिखा आपको कि अदानी पावर को अगर नया कॉन्ट्रैक्ट मिला है या फिर अदानी एंटरप्राइजेस को नया कॉन्ट्रैक्ट मिला है तो क्या होता है, अदानी के शेयर बढ़ने लगते हैं। आप तो अदानी का क्यों एग्जांपल दे रहा हूं, क्योंकि सबसे ज्यादा ट्रेंड में वही शेयर चल रहा है अभी। तो सिंपल सी बात आपको अगर समझ में आई होगी, तो सप्लाई जब बढ़ता है तब क्या होता है, प्राइस कम होती है, और डिमांड जब बढ़ती है तो क्या होता है, प्राइस बढ़ने लगती है। और डिमांड और सप्लाई कौन क्रिएट करता है, बायर और सेलर, आप जैसे और हमारे जैसे ही लोग। मैं ही कभी बायर हो सकता हूं, मैं भी कभी सेलर हो सकता हूं। तो जब मैं सेल करूंगा तो मैं क्या होता है, एक सप्लायर होता हूं, और जब मैं बाय करने की कोशिश करूंगा मैं क्या करता हूं, एक डिमांड क्रिएट करने वाला होता हूं। तो ये सब सिंपल सी बात है। ये आपको अगर और ज्यादा डीपली कहां पे समझेगा कि बायर और हमारे सप्लायर्स कहां पे अपने प्राइस को मैनिपुलेट करते, कहां पे अपने प्राइस को सेट करते, तो हमारा जो थर्ड लेक्चर होगा कैंडलस्टिक पे, तो आपको जब मार्केट में क्या चीजें चल रही है, मार्केट में किस चीज की ज्यादा डिमांड चल रही है, वो सब आपको कैसे समझना है, वो हम हमारे थर्ड लेक्चर में देखेंगे, जहां पे हमने कैंडलस्टिक के बारे में सीखा है। कैंडलस्टिक क्या होता है, हमारे जो बायर और सप्लायर है उनका पूरा बिहेवियर हमको कहां दिखता है, कैंडलस्टिक में दिखता है। तो वो तो हम आज तो हम पूरा बेसिक के बारे में बात कर रहे हैं, पर आगे जब देखेंगे हम थर्ड लेक्चर से जब स्टार्ट होगा तब हमारा पूरा डिटेल, इन डिटेल हमारा कोर्स चालू हो जाएगा। वहां से हम स्ट्रेटजीज भी देखेंगे, वहां से हम हमारा पूरा बायर और सप्लायर का साइकोलॉजी देखेंगे, और हमारा पूरा डीपली हम खुद का भी साइकोलॉजी हम क्या करेंगे उसमें इन्वॉल्व करेंगे या फिर इवॉल्व करेंगे। तो चलो आगे बढ़ते हैं हम। तो ये तो था हमारा क्या, डिमांड और सप्लाई का थ्योरी। तो यहां तक क्या था हमारा, डिमांड और सप्लाई का थ्योरी। तो आज के पहले लेक्चर में हमने क्या क्या जाना है कि मार्केट में क्यों आना है, मार्केट में आने के लिए क्या क्या चाहिए, देन हमने क्या देखा था मार्केट में अर्न करने के कितने वेज है, और मार्केट में प्राइस कैसे सेट होती है। उससे आगे अगर देखेंगे आप, अगर मार्केट में आपको प्राइस जो दिखती है हमारे ब्रोकर के पास दिखती है या फिर कोई भी शेयर की जो प्राइस दिखती है, तो वो क्या होती है, वो होती है उस शेयर की LTP। अभी हमने क्या देखा था, प्राइस कैसे सेट होती है, डिमांड और सप्लाई के फैक्टर से। प्राइस कैसे सेट होती है, डिमांड और सप्लाई के फैक्टर से। उससे आगे बढ़ के हम देखेंगे कि अभी जो प्राइस सेट हो चुकी है वो क्या होती है, वो होती है LTP। यानी अगर रिलायंस का शेयर देखो, अगर रिलायंस का शेयर अगर 1000 रुपीज पे ट्रेड कर रहा है मार्केट में, तो ये क्या हो गई है, LTP हो गई। LTP मतलब क्या, लास्ट ट्रेडेड प्राइस। स्टॉक की प्राइस कभी फिक्स नहीं रहती, जो हमारे मार्केट में हमारे क्या एक एक सेकंड में एक एक कॉन्ट्रैक्ट बनता है, मैं तो मिनिमम बोल रहा हूं एक एक सेकंड में हजारों कॉन्ट्रैक्ट्स भी बन सकते हैं। तो कॉन्ट्रैक्ट की जो वैल्यू होगी, जो उसमें प्रॉपर एक वैल्यू निकल के आएगी, वो हमारे शेयर की वैल्यू बनती है। लाइक अगर मैंने रिलायंस का शेयर अभी इस सेकंड में 1000 रुपीज में बेचा किसी को और 1000 रुपीज में किसी ने खरीदा, तो हमारे रिलायंस के शेयर की प्राइस क्या हो जाएगी, 1000 रुपीज। हमारे मार्केट में शो क्या करेगा, 1000 रुपीज। क्यों? क्योंकि अभी जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, रिसेंटली जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, उसकी प्राइस क्या थी, 1000 रुपीज। रिलायंस के शेयर की प्राइस क्या थी, 1000 रुपीज। उस हिसाब से चलता है हमारा मार्केट का प्राइस। तो मार्केट में डिमांड और सप्लाई से प्राइस तो क्या होते हैं, सेट होते हैं, और जो शो होते हैं मार्केट में प्राइस, वो कॉन्ट्रैक्ट के बेस पे होते हैं कि मार्केट में कौन सा कॉन्ट्रैक्ट अभी एग्जीक्यूट हुआ है, किस प्राइस पे एग्जीक्यूट हुआ है, तो उसको बोलते हैं हम लास्ट ट्रेडेड प्राइस। तो रिलायंस की अगर प्राइस अगर दिख रही है यहाँ पे 1000 रुपीज, तो उसको क्या बोलेंगे हम, उसकी LTP है 1000 रुपीज। यानी क्या, उसको लास्ट जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ है वो 1000 रुपीज में हुआ। पर आपको ये रिलायंस की प्राइस कभी 1000 रुपीज कॉन्स्टेंटली दिखेगी, हर एक सेकंड में उसकी प्राइस चेंज होती रहेगी। क्यों? क्योंकि हर एक सेकंड में मार्केट में क्या होता है, रिलायंस के शेयर में डीलिंग होती है और उसमें बाइंग और सेलिंग होती है। और सिर्फ रिलायंस की नहीं, बाकी सभी शेयर्स में हर एक सेकंड में बाइंग और सेलिंग होती है। क्यों? क्योंकि हमारे मार्केट में अभी करोड़ों में क्या हो गया, लोग आ चुके हैं। हमारे मार्केट में जो लॉकडाउन से पहले 4 से 5 करोड़ लोग थे, उसकी काउंट अभी 10 करोड़ से भी ज्यादा हो चुका है। और ये तो सिर्फ रिटेल इन्वेस्टर की बात है, हमारे जो मार्केट में होते हैं पूरे बड़े बड़े बैंक्स होते हैं जो कि हमारे इन्वेस्टमेंट डीलिंग करते हैं, देन इन्वेस्टमेंट बैंक्स होते हैं जो कि हमारे मार्केट को मूव करने की ताकत रखते हैं, क्योंकि उनके पास होता है बड़ा पैसा। और अगर हम हमारे स्टॉक मार्केट में जो सीखेंगे कि हमें उस बड़े प्लेयर जो हमारे जो इन्वेस्टमेंट बैंक है या फिर बड़े बड़े बैंक है या फिर बड़े बड़े जो इंस्टीट्यूशन है जो बड़ा पैसा लगा के आते हैं, उनके उनकी क्या साइकोलॉजी होती है, वो हम आगे वाले आने लेक्चर में देखेंगे, ताकि हम उनके साथ चले।
क्या होता है कि अगर आप कहीं समझो कोई बड़ा एक बड़ा ग्रुप है, अगर वो बड़ा ग्रुप के साथ आप चलने लगोगे तो क्या होता है आपके सक्सेसफुल होने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं, क्योंकि आप उनकी आइडियोलॉजी फॉलो करते हैं। बड़ा ग्रुप इन द सेंस ऐसा नहीं कि यार पूरे बड़ी मेंटेलिटी के साथ नहीं, लाइक अगर कोई डॉक्टर इंजीनियर बनने की पूरे ग्रुप में चल रहा है अगर वैसे ही बनेगा तो नहीं, कुछ नया करने की देखोगे तब आप सक्सेसफुल होगे। पर मार्केट में क्या होता है कोई बड़ा ग्रुप यानी जो बड़ी पावर होती है जिनके पास बड़े पैसे की पावर होती है, अगर आप उनके हिसाब से चलोगे लाइक वो मार्केट को कहां लेके जाना चाहते हैं वो मार्केट के साथ नहीं चलते, वो मार्केट को कहीं पे लेके जाते हैं। यानी कि अगर उनको चाहे तो वो रिलायंस का शेयर 1000 रुपीज से लेके 1500 रुपए तक भी लेके जा सकते हैं। तो इसके इंडिकेशन हमें मिल जाते हैं जब हम कैंडलस्टिक की स्टडी करते हैं। जो हमारा आने वाला लेक्चर होगा कैंडलस्टिक, उसमें हम बताएंगे कि इसको हम कैसे रीड कर सकते हैं, कैसे हमारे जो इंस्टीट्यूशनल पेयर को हम क्या कैसे ट्रेस कर सकते हैं कि वो कहां पे जाना चाहते हैं, वो मार्केट को कहां पे लेके जाना चाहते हैं। और अगर उनके साथ साथ हम भी चले जाएंगे तो हम क्या कर सकते हैं, हम भी अच्छा खासा एक ट्रेंड राइड कर सकते हैं। तो ये बहुत ज्यादा सिंपल सी बात आपको क्या होगी, आपको हमारे जो थर्ड लेक्चर होगा कैंडलस्टिक का पैटर्न्स और कैंडलस्टिक उसके पीछे की साइकोलॉजी, तो उसमें बहुत ज्यादा इजीली और बहुत ज्यादा डीपली समझ में आ सकता है। तो ये थी क्या लास्ट ट्रेडेड प्राइस, उसमें बताया मैंने क्या कि मार्केट में प्राइस कैसे सेट होती है किसी भी स्टॉक की या किसी भी हमारी पोजिशन की। तो चलिए आज के लेक्चर में हमारे फर्स्ट लेक्चर में इतना ही देखते हैं, ज्यादा देखेंगे तो आपके भी दिमाग के ऊपर से चला जाएगा। फिर भी एक बार बता रहा हूं कि आपको अगर कुछ नहीं समझा होगा इस लेक्चर में तो फिर से एक बार रिवाइंड करके देखो, फिर से एक बार शांत माइंड से देखो, आपको बहुत ज्यादा इजीली सब कुछ समझ में आ जाएगा। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू।